हेलो, जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। कल एक मैंने वीडियो बनाया था, बेल्ट्रॉन से एक स्पेशल वैकेंसी आई हुई है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। बेल्ट्रॉन के बारे में समझाया भी था कि आखिर ये बेल्ट्रॉन क्या है। तो ये सेमी गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि बिहार सरकार के अलग अलग विभाग में जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करते हैं, एक तरीके से ये बेल्ट्रॉन सप्लायर है डाटा एंट्री ऑपरेटर को। आज डिमांड के अकॉर्डिंग ये अलग अलग डिपार्टमेंट में सप्लाई करती है। पहली बात, ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ खास बातें इसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आगे हम बता देते हैं कि क्या और रहना है। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब इससे पहले जो बेल्ट्रॉन एग्जाम कंडक्ट की है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, अभी उसका पूरा सॉल्यूशन सुजय सर के द्वारा कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हम आपको दोबारा से रिपीट करके समझा देना चाहते हैं। और बहुत बच्चों का कल के वीडियो में कमेंट आ रहा था, जैसे कि इससे रिलेटेड हमने बैच भी अनाउंस कर रखा था और उस बैच का ऑनलाइन मोड में 499 रुपया फी था और ऑफलाइन मोड में 999। तो 499 रुपये ऑनलाइन के रिगार्डिंग बहुत अभ्यर्थी का लगातार कॉल और मैसेज भी आ रहा था, कमेंट भी आ रहा था कि सर फी को थोड़ा सा और कम किया जाए क्योंकि अभी लगातार हम लोग फॉर्म भर रहे हैं अलग अलग एग्जाम का, थोड़ा सा फी के मामले में दिक्कत ज़्यादा चल रही है। तो इसी के रिगार्डिंग हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो 499 रुपया आपका फी था, मात्र अब उसको कम करके 299 रुपया ऑनलाइन मोड में कर दिया गया। यानी कि प्ले स्टोर से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करके मात्र 299 रुपये में ये बैच आप बाय कर सकते हैं। और चूंकि 4 साढ़े 4 महीने के बाद एग्जाम होनी है, तो एग्जाम तक ये बैच आपका चलेगा, यानी कि 4 महीने प्लस ये बैच चलेगा। और 27 तारीख से शाम में 7 बजे से ये बैच स्टार्ट होना है और 27 तारीख से पहले लगातार अभी आपको डेमो जाता रहेगा, जिससे कि आपको पता चले कि संबंधित जो टीचर पढ़ा रहे हैं किस क्वालिटी के टीचर हैं, हमको इससे फायदा होना है कि नहीं होना है, पहली बात। अब दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं, एक बार और ब्रीफ कर देना चाहते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी बेल्ट्रॉन से आई हुई है, इसका क्वालिफिकेशन जो आपका है 10+2, उसके साथ में 1 साल का कंप्यूटर का डिग्री आपका इसमें चाहिए होता है, 1 साल का। अभी अगर आप बिहार SSC का फॉर्म भरे होंगे तो जरूर 1 साल का कंप्यूटर का डिग्री आपके पास होगा और वही डिग्री यहाँ पर आपका काम कर जाएगा कंप्यूटर से रिलेटेड। और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग का आपका ज्ञान अति आवश्यक है और हिंदी के टाइपिंग से आपका मेरिट बनता है। पेमेंट के बारे में हम बताए थे, पेमेंट स्लिप भी कल के वीडियो में हम दिखाए थे कि 25,500 रुपया इसका पेमेंट है और प्रत्येक साल 10% इंक्रीमेंट है। इसमें बहुत बच्चों का कमेंट आया था कि सर 15,000 पेमेंट दिया जाता है, कहीं 16,000, कहीं 17,000, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पेमेंट होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि अभी उर्मिला नाम की एक एजेंसी के माध्यम से ये पेमेंट होता था, तो उसमें भारी गड़बड़ियां पाई गई उस पेमेंट मोड में। इस लेकर के बिहार सरकार क्या करने जा रही है कि जल्द ही इसके पेमेंट मोड को चेंज करके वो अपने अधीन डायरेक्ट वो पेमेंट करने का पर विचार कर रही है। अब आगे 2-4 महीने में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बिहार सरकार खुद आपके आपको डायरेक्ट पेमेंट करेगी। इसका मतलब ये होता है कि 25,500 का जो पेमेंट आपका होना है वो 25,500 ही पेमेंट होगा, अधिक से अधिक संभावना है। दूसरा हम ये आपको बताना चाह रहे थे कि जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि लोको पायलट की वैकेंसी आई, टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, पिछली बार 48 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, इस बार 19 लाख समथिंग बच्चे फॉर्म भरे लोको पायलट में। कारण इसका ये था कि इतनी कम वैकेंसियां कर दी गई है, इतना ज़्यादा मारा मारी है। आप समझ सकते हैं कि मिनिमम संख्या में वैकेंसी आती है गवर्नमेंट जॉब और मैक्सिमम स्टूडेंट रहते हैं, इसे लेकर के वैकल्पिक व्यवस्था अभी से आपको बना के चलना होगा। बिहार SSC का 12,000+ वैकेंसी आई, लेकिन 20 लाख+ बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फाइनली सिलेक्शन तो 12,000 बच्चों का ही होना है। तो इसलिए अगर आप साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, अगर सिर्फ आप गवर्नमेंट वैकेंसी पर आश्रित हैं, तो मेरे ख्याल से
बहुत बेहतर कंडीशन नहीं हो सकता है, इस लेकर के एक वैकल्पिक मार्ग आपको लेकर के चलना होगा। और मेरे ख्याल से 4-5 साल के बाद ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आएगी, आई है, इसलिए ये अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। इसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग का ज्ञान जरूरी है, जो कि 4-4.5 महीने में अगर 1-2 घंटे अगर एक्स्ट्रा टाइम आप भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में देते हैं तो वो आप सीख सकते हैं। बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको पहले से इंग्लिश का टाइपिंग आ रहा होगा, सिर्फ हिंदी अलग से सीख लेंगे तो भी उनका काम चल जाएगा। 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, जिसमें 50% मार्क्स क्वालिफाइंग है, यानी 30 से ऊपर मार्क्स लाना आपको जरूरी होता है, और हिंदी टाइपिंग के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो अभी जो क्लासेस हम दे रहे हैं 299 रुपये में, हम पूरा दावा करते हैं कि 60 में आराम से आप 30+ मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि 4 महीने का समय है, अभी 300 रुपया फी है, तो 75 रुपया पर मंथ मात्र आपका पड़ा। आप समझ सकते हैं इस बात को, इससे सस्ता और क्या संभव है। इसलिए करके ये जो अभी अपॉर्चुनिटी आपको आपके पास आई है, क्योंकि जो आप एग्जाम देंगे सेम डे में आपका रिटर्न भी होगा, सेम डे में टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा, और जब इसका मेरिट बनेगा तो बिहार सरकार यानी कि वेल्ट्रॉन अपनी सुविधा अनुसार डिमांड के अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके मेरिट में से स्टूडेंट को निकाल करके ज्वाइनिंग करवाते रहती है। ये ज्वाइनिंग आपका 2 महीना 4 महीना 6 महीना, साल भर, 2 साल 2.5 साल 3 साल तक चल सकती है आपका। यानी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं और साथ में अगर इधर आपका सिलेक्शन हो गया, उधर वेटिंग में आपका वेटिंग में भी बने हुए हैं, तो अगर इधर अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है गवर्नमेंट जॉब में, तो एक अच्छा वैकल्पिक मार्ग आपके लिए खुल जाएगा। अगर आप अपने राज्य में रह करके 25,500 रुपया अगर आपको पेमेंट मिलता है तो मेरे ख्याल से बहुत बुरा नहीं है। इसलिए प्रायोरिटी आप जरूर रखिए कि कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल करिए, चाहे बिहार एसएससी हो या रेलवे हो या एसएससी हो या दूसरा गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन अगर उधर नहीं अपॉर्चुनिटी बन पाता है तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। तो ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, अब ऑनलाइन में मात्र 299 रुपया ही आपको लगेगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। और बाकी सर अभी आपको क्लास कराने वाले हैं, पूरा डिटेल क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और अभी से लेकर लगातार 27 तारीख से बैच आपका स्टार्ट होना है, तब तक ये लगातार सर क्वेश्चन कराते रहेंगे, जिससे कि आपको भी आइडिया आ जाए कि सर का क्वालिटी क्या है और आपको कितना ज़्यादा फायदा इससे होना है, और फायदा होगा कि नहीं होगा ये पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। तो धन्यवाद सर, आइए। ओके, थैंक यू सर। चलिए अब सर एक अनाउंसमेंट कर दिए हैं, क्योंकि कल से बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल आ रहा था कि सर फीस इसका जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा है फॉर्म भरने का, इसीलिए इसका थोड़ा फीस कम कर दिया जाए। तो अब जो है आपका कितना 299 मात्र हो गया है। अब इससे आगे हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखिए, आज जो करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, किसी भी चीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लग जाता है कि सिलेबस के किस पार्ट से ज़्यादा आपका क्वेश्चन आएगा। समझ गया बातों को? तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका जो पहला प्रश्न आया हुआ है ये आपका एमएस एक्सेल से है। किससे है आपका? एमएस एक्सेल से है, समझ गए। और ये एमएस एक्सेल 2016 का यूज करके पूछा गया। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी बोले तो कमेंट को जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी, यानी कि क्या शॉर्टकट आपका होगा। शॉर्टकट कहने का क्या मतलब है कि जो आप कीवर्ड के माध्यम से देते हैं। समझ गया बातों को? तो देखिए अगर आप एमएस एक्सेल, सबसे पहले हम एमएस एक्सेल की बात कर लेते हैं, कैसे आपको दिखता है। तो देखिए जैसे ही आप एमएस एक्सेल में प्रवेश करेंगे तो आपको इस तरीके के क्या दिखेगा, एक आपको चार्ट दिखेगा। समझ गए बातों को? हालांकि हम ये आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, लेकिन अभी पहले आप यहाँ समझिए, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, तो ये चीजें आपका सेल होता है। क्या होता है आपका? ये आपका, इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका सेल है। इस सेल का ये क्या होता है, ये आपका रो होता है। समझ गए बातों को? और ये नीचे की तरफ जो होता है इसको क्या बोलते हैं, तो कॉलम बोलते हैं, ठीक है। देखिए इधर की तरफ जो रो होता है इसको हम लेटर से लिखते हैं, ए बी सी डी ई, मतलब आगे तक जाएगा। और जो रो होता है, पूछा जाता है कि रो को हम किससे लिखते हैं एमएस एक्सेल में, तो हम लेटर से लिखते हैं। लेकिन जो हमारा कॉलम है,
इसको किससे लिखते हैं, तो इसको नंबर से लिखते हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 4। और ये पूरा जो आपका एमएस एक्सेल होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको वर्कबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि वर्कबुक बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। लेकिन जो आपका एगो जो ये है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम वर्कशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, एक एक चीज ध्यान से समझ लीजिए। कॉपी है आपके पास तो कॉपी में बना लीजिए, यहीं से आपको प्रश्न इसी तरह से दिखेगा। अब ये आपका सेल हो गया। इस सेल में कह रहा है कि अगर हमको कुछ लिखना है, मान लीजिए कि सेल में आप चले गए, इस सेल में अगर आपको कुछ भी लिखना है, किसी का भी नाम लिखना है, मान लीजिए कुछ भी लिखना है, ए बी सी ही अगर आपको लिखना है, तो कैसे लिखिएगा, तो इसके लिए जो शॉर्टकट की होगा शिफ्ट प्लस में अगर आप F2 का प्रयोग करिएगा तो यहाँ पे ये चीज़ें एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप वहाँ कीवर्ड के माध्यम से चीज़ों को आप लिख सकते हैं। तो आप क्या समझे कि ये आपका MS Excel का फाइल ऐसे दिखेगा। ठीक है, और इस पूरे फाइल को क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। और इसमें जो आपका रो होता है उसको हम लेटर से दिखाते हैं, किससे, लेटर से दिखाते हैं। और जो हमारा कॉलम होता है इसको आने की नंबर से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, नंबर से दिखाते हैं। ये आपका सेल हो गया। एक वो इस कॉलम के मतलब इस समूह को वर्कशीट बोलते हैं और पूरे को वर्क बुक बोलते हैं। इसके अंदर कुछ भी लिखने के लिए शॉर्टकट की हमारा आने की शिफ्ट प्लस में F2 होगा। इतना बात समझ गए, मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट। साउंड नॉट क्लियर, साउंड क्लियर नहीं क्या, देख लीजिए एक बार देख लीजिए, यूट्यूब का भी कमेंट में देख लीजिए एक बार, यूट्यूब का कमेंट उधर नीचे करिए, एप्लीकेशन पे कुछ बोल रहे हैं लोग कि साउंड क्लियर नहीं। ठीक, देखिए आगे, देखिए तो आगे आपका क्या है, देखिए तो समझ गया ना, टिप्पणी लिखने के लिए क्या करेंगे, तो शॉर्टकट की आपका क्या होगा, शिफ्ट प्लस में F2 होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कह रहा है आपका यहाँ पे देखिए STD और EB डॉट P है, इसका क्या मतलब होता है, देखिए ये है आपका स्टैंडर्ड आपका डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका पॉपुलेशन है। क्या है, साउंड ओनली वन साइड आ रहा है, एक बार साउंड चेक करवाइए जरा, साउंड चेक करवाइए एक बार। ठीक है, साउंड चेक करवा ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, इसका क्या मतलब होता है, तो ST जो है यहाँ पे, D इसका मतलब स्टैंडर्ड होता है, और इसका मतलब क्या होता है, DB का मतलब क्या होता है, ST का मतलब स्टैंडर्ड, और इसका मतलब जो आपका DEB है इसका मतलब होता है डेविएशन। ये चीजें आप मैथ में पढ़े हुईगा, सांख्यिकी में, समझ गया बातों को, तो इसका मतलब जो ये जो है क्या है, तो एक आपका सांख्यिकी फंक्शन है, यानी कि स्टेटिकल फंक्शन है। ये क्या आपका स्टेटिकल फंक्शन है, तो ये आपको याद रखना है। बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट की है जो हम आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से भी बताएंगे, और बहुत सारे आपको याद भी रखना पड़ेगा अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं एग्जाम में तब। तो क्या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन, ये आपका एक सांख्यिकी फंक्शन है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आपका शॉर्टकट से हर शिफ्ट में लगभग 4-5 प्रश्न आपका है ही है। ठीक है, एक बार आप बता दीजिएगा, साउंड क्लियर है ना, आप देखिए कह रहा आपका हेलो है, इसलिए गुंज रहा है क्या, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन माइक तो चल नहीं रहा। देखिए कह रहा आपका MS वर्ड, जो आपका MS वर्ड में आपका टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, सबसे पहले समझिए कॉपी अलग चीज होता है और कट अलग होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि मान ले यहाँ पे हम कुछ भी लिखे, ए लिखे, बी लिखे और CD, ये चीजें हम लिख लिए। अगर हमको इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करना है, क्या करना है, कॉपी, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जो है शॉर्टकट की अगर हम कंट्रोल प्लस में सी करेंगे तो ये डाटा सिर्फ कॉपी होगा, मतलब यहाँ भी रहेगा और जहाँ दूसरे जगह जा करके, मान लीजिए हमें इस बॉक्स में आ करके अगर हमको पेस्ट करना है इस बॉक्स में, तो हम इसमें जब पेस्ट करेंगे तो ABCD पेस्ट हो गया, मतलब डाटा यहाँ भी अवेलेबल है और डाटा यहाँ भी आ गया। जब हम इसको कॉपी किए हैं तो क्या इसके लिए कि मतलब शॉर्टकट की था, तो CTRL कंट्रोल प्लस में आपका C था, लेकिन जब हम यहाँ आए पेस्ट किए इस बॉक्स में तब क्या हो जाएगा आपको, तो मतलब CTRL कंट्रोल प्लस में आपका V हो जाएगा। तो इसका मतलब सर ये जो कीवर्ड है कंट्रोल, आने की कंट्रोल प्लस में भी किसका है, तो ये पेस्ट का आपका क्या है,
दो कीवर्ड है, मतलब यहां से उठा करके यहां डाल दिया। आगे समझिए मेरे भाई, ध्यान से देखिए, यहां पे आपका क्या है, द कंट्रोल प्लस में एक्स, इसका क्या मतलब होता है, तो ये कट है, मतलब अगर हम इसका यूज करेंगे तो डाटा यहां से पूरा उठ जाएगा और यहां आ जाएगा जहां पेस्ट करेंगे, मतलब यहां से हट जाएगा, मतलब एक जगह से हटा करके दूसरे जगह ले जाना क्या कहलाता है आपका, तो ये कट कहलाता है, मतलब एक जगह से हट जाना पूरा का पूरा तो कट है, और कहीं पे भी ले जाकर के पेस्ट करना है तो पेस्ट कर देंगे, लेकिन पीछे वाला डाटा खत्म हो जाएगा आपका कट में। लेकिन यहाँ पे कॉपी में आपका पीछे भी डाटा था और आगे भी डाटा, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, कंट्रोल प्लस में जेड है, ये आपका आने की अंडो होता है। अंडो का क्या मतलब है कि पीछे जाना, क्या मतलब होता है इसका, पीछे जाना। प्लीज सर चेंज योर माइक। ओके, एक्चुअली ना आज स्टूडियो सब बिजी है, इसलिए हम क्लास रूम से आपका ले रहे हैं, कल से स्टूडियो से ही क्लास लेंगे, ठीक है, आज मैनेज कर लीजिए, आज क्लास रूम से ले रहे इसीलिए थोड़ा सा ना गूंज जा रहा होगा आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, तो मैनेज कर लीजिए, ठीक है। देखिए तो क्या होता है आपका, अंडो होता है, मतलब अगर हम किसका यूज करेंगे, आने की कंट्रोल प्लस में जेड का यूज करेंगे तो ये अंडो होता है, मतलब एक स्टेप पीछे जाने के लिए होता है। कैसे सर, हमको यहाँ बना करके बताइए, बिल्कुल बताते, देखिए जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे ए बी और सी लिखे, ऐसे लिख दिया, अब हम इसको क्या कर रहे हैं ना, इसको चेंज कर दे रहे हैं, देखिए इसको क्या कर दे रहे हैं, हम कह रहे हैं इसको थोड़ा सा मतलब टेढ़ा कर दीजिए, क्या कर दिए, इटाली कर दिए। अब आप ऐसे लिखिए ए बी और सी, इसको आप टेढ़ा कर दिए, अब ये इटालिक हो गया। आप फिर से चाहते हैं कि सर आप ऐसे कर दीजिए, आप इटालिक से फिर से ये सिंपल ए बी सी पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आने की कंट्रोल प्लस में जेड, आने की हम बैक में आना होगा तो कंट्रोल प्लस में जेड का यूज करेंगे, तो एक स्टेप जो ये आपका ये सिंपल वाला था, ये इटालिक कर लिए, अब इटालिक से सिंपल में आना है तो क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस में जेड, और ये अंडो के लिए होता है, क्या होता है, अंडो। अब एक चीज आप और समझिए, यहीं पे आप रीडो भी समझ लीजिए, देखिए अब देखिए फिर से आप क्या चाह रहे हैं कि सर हमको इससे फिर से इसमें जाना है, तो क्या करिएगा, इसके लिए आपका CTRL कंट्रोल प्लस में आपका वाई होगा, इसको क्या बोलते हैं, आने की रीडो है आपका ये, मतलब फिर से हमको यहाँ से यहाँ आना होगा तो क्या करेंगे, रीडो करेंगे, तो एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए कंट्रोल वाई, हाँ ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ने के लिए कंट्रोल वाई और पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड, तो ये आपका कंट्रोल जेड क्या है, तो कंट्रोल जेड आपका अंडो और कंट्रोल वाई क्या है आपका, रीडो। समझ गए, अब इतना बात समझ गए ना, तो यहीं से आपका देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन के बदले हम आपको पांच क्वेश्चन कराएं, और इस तरीके से जब आप करते चलिएगा और नोट बनाते चलिएगा अगर, तो 100% आपको सफलता मिलेगा और 30 क्या 60 में से 50 नंबर ले आइएगा। देखिए और ये बोर्ड पीडीएफ जो है ना, आपको एप्लीकेशन पे जाना है और जहाँ कोर्स है उसे स्टडी मटेरियल में इस बोर्ड पीडीएफ को डलवा देंगे, वहां से ले लेना। समझ गए बातों को, कुछ भी पूछना होगा लास्ट तक रुकिएगा क्लास के, हम लास्ट में आपको 5 मिनट टाइम देंगे, अभी अच्छे से पढ़ा लेते हैं, ठीक है, चलिए आगे देखिए। सर आवाज बफर कर रहा है, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए मोबाइल को, शीर्षक जी आप रिफ्रेश कर लीजिए उसको, चलिए आगे देखिए, ये स्लाइड पूरा समझ गया, अगला तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है आपका, देखिए अगला आपका प्रश्न है कि जैसे कि एमएस वर्ड 2016 मेल मर्ज में, क्या आपका कह रहा है, मेल मर्ज में मेलिंग के लिए आपका प्राप्तकर्ता को मौजूद सूची, यहाँ इस बात को ध्यान दीजिए, कह रहा है मौजूद सूची डैश में मौजूद होता है, मौजूद सूची की बात कर रहा है, नया सूची बनाने की बात नहीं कर रहा है, मौजूद सूची के बात कर रहा है आपका, ठीक है, तब मौजूद सूची के बात करेगा तो सबसे पहले हम तो मेलिंग में जाएंगे ही, जब हम ऊपर में ये वाला पूरा का पूरा हम प्रैक्टिकल में आपको दूसरे दिन दिखा देंगे, ठीक है, ये खोलेंगे तो हमको मेलिंग मिलेगा और मेलिंग के बाद हमको कहाँ जाना पड़ेगा, तो सिलेक्शन आने की रेसिपिएंट में, उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट होगा, आने की मौजूदा सूची के लिए यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, लेकिन यहीं पे कहता कि हमको नया क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे क्या करते, आने की टाइप न्यू लिस्ट, क्या करते, टाइप न्यू लिस्ट, तब हम नया लिस्ट बना पाते, लेकिन मौजूदा के सूची की बात कर रहा है तो इसमें हमको सबसे पहले मेलिंग में जाएंगे, सिलेक्ट रेसिपिएंट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट हमारे पास वहाँ दिख जाएगा। समझ गए बातों को, लेकिन अगर न्यू का बात करता नया क्रिएट करने के,
तब हम किसका आने की टाइप वहाँ न्यू लिस्ट पर क्लिक करते, समझ गए बातों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्या प्रश्न है, कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट, यहाँ देखिए पावर पॉइंट की बात कर रहा है, पावर पॉइंट में रिकॉर्ड स्लाइड शो डैश मेन्यू में मौजूद होता है। तो जो आपका रिकॉर्ड स्लाइड जो शो होता है, ये आपका स्लाइड शो में होता है, सबसे पहले आपको आने की स्लाइड आपका शो दिखेगा और इसी में आपका क्या होगा, तो रिकॉर्ड आपका आने की स्लाइड शो होगा, समझ गया मेरे भाई। तो ये कहाँ पे होगा, तो ये जो आपका रिकॉर्ड स्लाइड शो मेन्यू में आपका उपलब्ध रहता है, कहाँ रहता है, स्लाइड शो मेन्यू में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे आपको, आपको चिंता मत करिए, ठीक है। आज इस बोर्ड पे अवेलेबल नहीं है, हम इसको बहुत जल्दी अवेलेबल करवा के हम आपको दिखाना भी शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, कब कब लाइव टाइमिंग होता है सर, 7 बजे से 7 बजे। चलिए आगे देखिए, आगे आपका प्रश्न क्या है, कह रहा है कि एमएस एक्सेल में आपका वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं। देखिए जैसे कि क्या कर रहा है, एमएस एक्सेल में जो आपका वर्कशीट है उसका नाम कैसे बदलते हैं, तो सबसे पहले बात आपको क्या करना पड़ेगा, जिसका नाम बदलना है वहां पे आप जाइए, माउस के माध्यम से आप क्या करिए, राइट क्लिक करिए, और जब राइट क्लिक करिएगा सीट टैब पे, कहाँ पे, सीट टैब पे जब आप राइट क्लिक करिएगा तो वहाँ रीनेम का ऑप्शन आएगा, उस रीनेम पर क्लिक करके और जो भी आपको नाम रखना है उसका नाम आप रख सकते हैं, समझ गए बातों को। कहाँ पे जाना है, सबसे पहले उस सेल में जाइएगा, उसके बाद आप आने की राइट क्लिक करिएगा और राइट क्लिक करिए कहाँ पे, ऑन सीट टैब, मतलब सीट टैब बोले तो यहाँ लीजिए मैं बना करके एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि हम क्या बोले, अभी तुरंत ही बनाए थे इसीलिए, देखिए ये आपका क्या है, ये मान लीजिए क्या आपका, तो टोटल के टोटल ये क्या है आपका, इस टोटल को क्या बोल रहे थे, वर्क बुक बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, आने की वर्क बुक बोल रहे थे, ठीक है। और ये ए को क्या था आपका, वर्क सीट था, क्या था आपका, आने की वर्क आपका आने की सीट था। और इस ए को बॉक्स को क्या बोल रहे थे, तो ये एमएस एक्सेल का आपका क्या है, तो सेल है, समझ गया बातों को। और इसको जो आपका रो होता है इसको किससे लिखते हैं, लेटर से, आने की ए बी और सी, आगे ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, ये क्या आपका, तो रो है, समझ गए बातों को। और कॉलम नीचे की तरफ होता है कॉलम, और इसको 1 2 3 4 आने की हम नंबर से लिखते हैं, ठीक है, कॉलम को किससे लिखते हैं, तो नंबर से लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो इतना बात आप समझ गए, जैसे ही हमको नाम अगर क्या करना है, हमको बदलना है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, तो रीनेम पे जाएंगे और वहाँ पे जो भी नाम लिखना है वो हम लिख देंगे, समझ गए। हाँ स्टार्ट हो गया है, एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो गया, चलिए ये एप्लीकेशन पे भी जा रहा है, दोनों जगह जा रहा है। अगला कह रहा है आपका क्या, कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान से समझिए। कह रहा है जो आपका एमएस एक्सेल जो 2016 वाला, इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, सही पूछ रहा है। तब पहले हमको तो एमएस एक्सेल समझना पड़ेगा, तभी हम ना हम जानेंगे कि कौन सा कथन सही है। तो अभी तुरंत बनाए थे उसको एक बार जस्ट थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, इसी से आपका प्रश्न का उत्तर मिलना है। देखिए ये आप क्या देखिए कि सर ये जो है हमारा एमएस एक्सेल का पूरा आप दिखा दिए हमको, ये क्या है, तो आने की वर्क बुक है सर, क्या है, वर्क बुक, इस पूरा कंबाइन को क्या बोलते हैं, वर्क बुक। ये आपका एक क्या था, तो सर ये हमारा सेल था, इसको हम ए बी सी आने की लेटर से दिखाते हैं, इसको नंबर 1 2 3 4 नंबर से दिखाते हैं, ये हमारा कॉलम होता है और ये हमारा क्या होता है, तो रो होता है। अब इसको ए गो को क्या बोलते हैं, तो ए गो को बोलते हैं क्या, तो वर्क सीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो आने की वर्क सीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्क सीट। लेकिन इस पूरा को क्या बोल रहे हैं सर, इस पूरा को हम बोल रहे हैं वर्क बुक, क्या बोल रहे हैं, वर्क बुक बोल रहे हैं, और इसको ए गो के वर्क सीट। तो इस दोनों में अंतर है ना, जब भी वर्क बुक की बात करेगा तब पूरा, और वर्क सीट की बात करेगा तो ए गो। तो देखिए कौन सा कथन सही है, तो यही आपका सही है, कह रहा है कि वर्क बुक यानी कि एक वर्क बुक, एक वर्क जो है आपका सीट के समान नहीं होता है, तो यही कथन आपका सही है, क्योंकि दोनों में अंतर है मेरे भाई। अगर ये वर्क सीट की बात कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इतना का बात कर रहा है, समझ गए बातों को। लेकिन अगर ये
वर्क बुक की बात कर रहा है तो इसके मतलब इस पूरा होल की बात कर रहा है ना, तो दोनों में अंतर है ना, तो यही कथन आपका क्या है, सही है माय डियर, समझे बातों को। हेलो सर, ओके, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल एलिजिबल है, आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या कह रहा है, तो ये समझ गए ना कैसे दोनों अलग हैं, क्योंकि पूरा बोलता तो वर्क आपका बुक, और एगो बोलता तो वर्क आपका सीट हो गया। अगला देखिए, अगला आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्लाइड आने की स्लाइड जो आपका शॉर्टर व्यू, इनमें से क्या जो है प्रदर्शित करता है, इनमें से क्या प्रदर्शित करता है, तो ध्यान से देखिए, स्लाइड में शॉर्टर व्यू का मतलब क्या है, कि जैसे कि मान लीजिए कि आप बहुत सारा स्लाइड बनाए, ऐसे लाइन में आप लगा लिए स्लाइड बना करके, ठीक है, ऐसे आप लाइन में स्लाइड बना करके लगा लिए, मान लीजिए कि एक हो गया, दो, तीन, चार, ऐसे देखते हैं ना, ऐसे लाइन में स्लाइड बना रहता है, ठीक है। देखिए जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखाते, देखिए देखिए ये बहुत सारा स्लाइड है ना, इसी तरह से मान लीजिए ऐसे, जैसे कि आपको साइड में अभी दिख रहा होगा ऐसे, तो बहुत सारा स्लाइड है ना, तो जब हम किसका प्रयोग करेंगे, स्लाइड आपके शॉर्टर व्यू का प्रयोग करेंगे, तो ये सब के सब कैसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में हो जाएगा, और हमें थंबनेल के जैसा दिखने लगेगा। तो ये देख रहे हैं कैसा हो गया, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में हो गया ना, तो यही बात ये कह रहा है, यानी कि क्षैतिज क्रम में आपके क्या, तो आने की प्रोजेक्शन की सभी स्लाइड जो है थंबनेल के रूप में आपको दिखने लगता है। तो जब भी आने की स्लाइड शॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है, ये देखिए स्लाइड शॉर्टर व्यू है, ये समझ रहे, देखिए ऐसे बना, ये पहले ऐसे है, और जब इसमें स्लाइड शॉर्टर व्यू की बात करेंगे तो ये आपका कैसे ऐसे बना हुआ, समझ गए, देखिए ऐसे बना हुआ, ठीक है, ऐसे बना हुआ, मतलब इसके ऊपर स्लाइड शॉर्टर व्यू का प्रयोग करेंगे तो ऐसे में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या है, क्षैतिज क्रम में आपके प्रोजेक्शन के सभी स्लाइड थंबनेल में बन जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको इमेज में दिखा दिया, समझ गया बातों को, ठीक है। नॉलेज नहीं है तो हमसे लीजिए ना, सर्टिफिकेट है तो फॉर्म भर लीजिए, ठीक है, और यहाँ हमसे जुड़िए, आपको पूरा का पूरा इतना अच्छे से करा देंगे कि एकदम फिक्स है कि हो जाएगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए, कंप्यूटर का जिम्मेदारी हम लेते हैं, बाकी आप टाइपिंग का जिम्मेदारी लीजिए, ठीक है, चलिए अच्छे से, लेकिन क्लास करना, ऐसे नहीं कि आए और चले गए तब नहीं होगा, समझ गए, पूरा कंसेप्ट अच्छे से सीखिए, फिर आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ जो समझा दिए, अब एक बार में आप समझ गए, क्वेश्चन कहीं भी दिखेगा ना तो आप टिक लगा दीजिए, समझ गए। चलिए आगे देखिए, सब बात हम करेंगे क्लास के लास्ट में, अभी क्लास कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की आपका कौन सा है, क्या करना है, पेस्ट करना है, हमको क्या करना है, टेक्स्ट को पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए अभी तो हम बताए हैं क्या क्या बताए हैं, एक तो बताया कंट्रोल प्लस में सी किसके लिए होता था, तो आपका कॉपी, कॉपी करने के लिए, कॉपी करने के लिए आपका ये था। पेस्ट करने के लिए क्या था, कंट्रोल प्लस में भी आपका आने की पेस्ट करने करने के लिए आपका ये था, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, जैसे कि कंट्रोल प्लस में जेड, ये किस लिए था, तो अंडो के लिए था सर, अंडो बोले तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए, किस लिए होता है, आने की एक स्टेप पीछे जाने के लिए, आने की पीछे जाने के लिए होता है, समझ गए बातों को। यहाँ कंट्रोल प्लस में एक्स है, इसका मतलब क्या था, तो ये जो आपका था कंट्रोल प्लस, ये कट करने के लिए, किस लिए होता था, आने की कट करने के लिए, किस लिए था आपका, कट करने के लिए था। तो इतना बातों को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ देखिए चार गो शॉर्टकट की सीख लिए, समझ गए बातों को, इसी तरह से अगर नोट करते चल जाएंगे, रिविजन करते चले जाएंगे, तो कैसे एग्जाम छूट सकता है मेरे भाई, अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है क्या, एम एस एक्सल में आपका होम मेन्यू के तहत, आने की होम मेन्यू के तहत एडिटिंग ग्रुप में जो है आपका क्लियर जो है आपका ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा आपका वैध विकल्प नहीं है। देखिए सबसे पहले एम एस एक्सल की बात कर रहा है, होम मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद जो है आपका क्लियर ड्रॉप डाउन के सूची में कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लगा दिए हैं, यहाँ ये क्लियर ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है, ठीक है, सबसे पहले हम कहाँ गए होंगे, होम मेन्यू में, उसके बाद एडिटिंग में, उसके बाद कहाँ, क्लियर में। अब क्लियर में गए तो हमको यहाँ क्या क्या दिख रहा है, आप ही बताइए, देखिए क्लियर में क्या क्या दिख रहा है, ऑल क्लियर एक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऑल आपका आने की क्लियर दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपका,
क्लियर आने की, ये पहले क्लियर कर लीजिए उसके बाद ऑल लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। देखिए आपकी क्लियर ऑल लिखा हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या है क्लियर फॉर्मेट है, आने की आपका क्लियर आने की फॉर्मेट है, तो ये दोनों अवेलेबल है। और क्या आपका, तो यहाँ मैं ऐसे सिंबल देते हैं इसका मतलब क्लियर था, क्लियर आपका कॉमेंट, कॉमेंट है। और क्या आपका, तो क्लियर आपका ये ऊपर वाला कंटेंट है, नीचे वाला कॉमेंट है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, ये आपका आने की कॉन्टेंट है, ठीक है। अगला आपका क्या है, तो यहाँ पे क्लियर हाइपर लिंक, हाइपर लिंक। अगला आपका क्या है, तो रिमूव, क्या आपका रिमूव, रिमूव आपका हाइपर लिंक, हाइपर लिंक हो गया, समझ गया मेरे भाई। तो ध्यान से इसको शॉर्ट स्क्रीन भी आप ले सकते हैं, देखिए जो आपका क्लियर के अंदर क्या क्या है, क्लियर ऑल है, क्लियर फॉर्मेट है, क्लियर कंटेंट है, क्लियर कमेंट है, हाइपर लिंक है, और उसके बाद आपका क्या है रिमूवल लिंक है। तो ये आपका छह चीजें इसके अंदर अवेलेबल है, समझ गया बातों को। तो इसमें से क्या नहीं है, तो क्लियर डाटा आपका नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर कमेंट था, क्लियर फॉर्मेट था, क्लियर आपका आने की कंटेंट भी था, कंटेंट ऊपर में और नीचे में कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सब था, ये चीजें आपका अवेलेबल है माय डियर, समझ गया बातों को। महिला सीट भी है सर, हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, सब सीट है, चलिए ठीक है, आगे देखिए, तो ये समझ गया बातों को, प्रश्न को समझ गया। अगला प्रश्न देखिए, और ये अपना जो है मतलब एकदम, अब समझिए कि आप लोग का इतना ज्यादा कमेंट फोन आ रहा था उसके वजह से ये चीजें किया गया है सर के द्वारा, मतलब जो आपका 499 था उसको क्या किया गया है आपका 299 कर दिया गया है, समझ गया बातों को। तो अब थोड़ा भी देरी नहीं कीजिए, ये सिर्फ इसलिए किया गया है ना क्योंकि अभी फॉर्म भरने में भी आप लोगों को इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लगता है, लेकिन क्या करिएगा, फॉर्म भरना है वो तो गवर्नमेंट का है तो भरना ही पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या किए हैं कि इसको अब काट करके ये कर दिए आपके लिए, ठीक है। तो अब एकदम अपने तैयारी को क्या करिए, एक धार दीजिए, अच्छा समझ गया बातों को, चलिए आगे देखिए। अगला क्या कह रहा है आपका कि इनमें से, क्या कह रहा है आपका कि इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को आने की चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्व के माध्यम से किसी उपकरण के साथ आपका आने की इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। अब हमको एक चीज आप समझाइए हमको, हम कह रहे क्या, एगो यहाँ पे डायग्राम बना दिए, ठीक है, एगो हम यहाँ पे डायग्राम बना दिए और यहाँ पे बगल में लिख दिए मैन, मैन आने की आदमी लिख दिए। अब हम कह रहे हैं कोई ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, ये इमेज देख करके बता देगा ना कि किसी आदमी का फिगर है, समझ गए, लेकिन इसको पढ़ने के लिए कोई पढ़ा लिखा आदमी का होना जरूरी है। तो कुछ ऐसा चीज जो ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको दिखाया जाए, मतलब जिसको आप ग्राफ के माध्यम से समझ जाए, जैसे कि मान लें कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे जो लोग पढ़ा लिखा नहीं है वो भी क्या करता है, उसके ग्राफिकल इमेज की वजह से समझ जाता है कि ये व्हाट्सएप ही है, लेकिन टेक्स्ट में अगर लिख दिया जाए तो समझना मुश्किल हो जाएगा, समझ गया बातों को। तो देखिए यही बात ये कह रहा है कि उपकरण के साथ आने की क्या आपका इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है, ग्राफिकल आपका यहाँ पे लिखा भी है, ग्राफिकल आने की एलिमेंट, तो ये क्या होता है आपका आने की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका शॉर्ट मतलब इसका फुल फॉर्म भी कहीं कई बार पूछा जाता है, आने की GUI, ये क्या आपका ग्राफिकल, ये क्या है आपका आने की ग्राफिकल, ग्राफिकल यूजर, यूजर इंटरफेस, इंटरफेस क्या आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, समझ गया बातों को, चलिए आगे देखिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना कि मतलब ग्राफ के माध्यम से या एनिमेशन के माध्यम से चीजों को बताना आने की प्रदर्शित करना। अब BSPCL का चल रहा है कंप्यूटर, चल रहा है, ठीक है अमर जी, BSPCL का चल रहा है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, कह रहा है कि MS Excel में आपका सेल बॉर्डर लगाने का जो आपका विकल्प कहाँ मिलता है, कहाँ पे मिलता है आपका, जो MS Excel में जो आप सेल बॉर्डर लगाते हैं वो विकल्प कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, तो होम में जाना है, और होम में अगर आप चले जाइएगा तो उसके बाद फॉन्ट में, होम में जाने के बाद कहाँ जाना है, फॉन्ट ग्रुप में, और फॉन्ट ग्रुप में आपको बॉर्डर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप कहाँ गए, यहाँ पे देखिए MS Excel में सबसे पहले आप होम में गए, होम पे क्लिक कर दिए तो उसके बाद ये खुला। अब फॉन्ट में आ गए, जैसे कि आपको बोल्ड करना है कि इटैलिक करना है कि अंडरलाइन करना है,
अब यहाँ पे देखिए आपके पास बॉर्डर आ गया। अगर सिर्फ आपको नीचे बॉर्डर लगाना है तो बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करिए, ऊपर में लगाना है तो आप टॉप बॉर्डर का क्लिक कीजिए, लेफ्ट में लगाना है तो लेफ्ट बॉर्डर, ये हो गया, ये आपका राइट बॉर्डर हो गया, और इसको क्लिक करेंगे तो नो बॉर्डर, पूरा बॉर्डर जो है आपका हट जाएगा। समझ गए बातों को? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जा करके इसका यूज करते हैं। सबसे पहले होम में जाएंगे, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में, फिर हम बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं क्या लगाने के लिए, तो बॉर्डर को लगाने के लिए। समझ गए बातों को? तो होम से ये आगे हमें पढ़ना था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या कह रहा है, कंपाइलर। बड़ी मजेदार प्रश्न, यहाँ से तीन प्रश्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपका कंपाइलर होता है, दूसरा इंटरप्रेटर होता है, और तीसरा आपका असेंबलर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक पेज लेकर के आपको समझा देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए ध्यान, यहाँ पे हम एक पेज से समझ, तो पहला आपका क्या था, कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर था। कंपाइलर का काम क्या होता है, जो भी आपका सोर्स कोड है, मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको आप लिखे, मतलब इसका काम क्या होता है, अगर इसका हम वर्क की बात करें, वर्क आने की काम की बात करें, तो क्या होता है, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है इसको किस में करना, तो मशीन लेवल लैंग्वेज में। ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो सकता है, तो जो भाषा आप लिखते हैं कंप्यूटर में वही आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। जैसे कि आपका सी हो गया, C++ हो गया, यानी कि जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब आपका हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको आप लिखते हैं। लेकिन इसको मशीन लैंग्वेज में कौन करता है, तो ये यानी कि कंपाइलर करता है। समझ गए बातों को? मशीन लैंग्वेज की बात करें तो ये आपका 0 या 1 होता है। इसको मशीन लैंग्वेज के साथ और क्या बोलते हैं, तो हम इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। यही जो है हमारा 0 और 1 की भाषा जो है, यही कंप्यूटर समझता है। कौन? कंप्यूटर जो है यही भाषा को समझता है मेरे दोस्त। तो समझ गए कंपाइलर का काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को इसमें मशीन भाषा या बाइनरी लैंग्वेज में करना, यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में करना, ठीक है। और ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब आपका हाई लेवल लैंग्वेज। दूसरा एक और आता है आपका क्या, तो इंटरप्रेटर। देखिए ये कंपाइलर क्या होता है कि आप जितना भी कुछ लिखे हैं ना, मान लीजिए वो पेज है आपका ये, और इसमें बहुत सारा चीज़ आप लिखे हुए हैं, तो इस पूरे डाटा को एक बार में कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे, एक ही बार में। ये जो आपका क्या था, सोर्स आपका कोड था, इसको ऑब्जेक्ट कोड में जो बदल दिया, ये क्या आपका कंपाइलर, एक ही बार में। लेकिन इसी को लाइन बाय लाइन जो बदलता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, तो लाइन वाइज लाइन मतलब बदलना, इसका काम क्या होता है, लाइन बाय लाइन जब उसको मशीन भाषा में बदलेगा, यानी कि उसमें से एरर ढूंढेगा, तो क्या हो जाएगा आपका इंटरप्रेटर। एक और चीज होता है क्या आपका, असेंबलर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे पेन से, देखिए ध्यान से देखिए, मैं यहाँ तीसरा आपका क्या होता है, असेंबलर। समझ गया बात, तो असेंबलर का काम क्या होता है, इसका भी वही काम होता है जो असेंबली भाषा है, यानी कि असेंबली जो आपका लैंग्वेज है इसको किस में बदलना, तो मशीन लैंग्वेज, या फिर बोल सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज है इसमें बदलना किसका काम होता है, असेंबलर का काम होता है। समझ गए? तो ये भी क्या करता है, यूज होता है। और मशीन लैंग्वेज बोले तो 0 या 1 के फॉर्मेट में होगा। तब क्या क्या समझे, कंपाइलर जिसका काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि जो आपका सोर्स कोड है इसको किस में करना है, तो ऑब्जेक्ट कोड में। ये क्या है आपका, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका कोड है माय डियर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कोड में बदलना किसका, कंपाइलर। या हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में बोलेगा, मतलब यहाँ पे लो लेवल यानी कि लो लेवल लैंग्वेज होता है। समझ गए बातों को, लो लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो हाई लेवल के लो लेवल में बोलेगा तभी भी कंपाइलर, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में बोलेगा तभी भी कंपाइलर। समझ गए बातों को, या फिर C++ या जावा पाइथन को बोलेगा मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी में तभी भी आपका कंपाइलर ही होगा, ठीक है। इंटरप्रेटर कब होता है,
जब एक ही बार में नहीं, एक एक लाइन को बदलता है तो इंटरप्रेटर असेंबली का काम, असेंबलर का काम क्या होता है, जो आपका असेंबली लैंग्वेज है इसको मशीन लैंग्वेज में बदलना। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। सर वन बैच है, हाँ है। चलिए आगे देखिए, सर एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन रेडी कराइए। आप उसका चिंता मत करिए, वो सब हम देख लेंगे, ठीक है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे देखिए, कह रहा आपका कंपाइलर, कंपाइलर का काम क्या होता है, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है इसको किस में करना, आपका मशीन लैंग्वेज में, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यही आपका क्या है, कंपाइलर, देख रहे हैं सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में आपका बदल रहा है, समझ गया बातों को। और यहाँ जो हम आपको बताए हैं वो डिफिनिशन यहाँ लिखा हुआ है। अगला देखिए, अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह व्यू जिसमें आपका यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट जो है आपका कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्स्ट स्थिति और जो आपका फॉर्मेट में जो है डॉक्यूमेंट ब्राउजर में दिखाई देता है। यहाँ पे सिंपल भाषा में समझिए, जब भी आप क्या करते हैं, ब्राउजर को ओपन करते हैं और जब आप उसमें कुछ भी सर्च करते हैं तो खुल के जो आता है तो पूरा पेज भर के खुल के आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वेब लेआउट बोलते हैं, समझ गए बातों को। और कौन सा लेआउट होता है सर, तो एक होता है आपका प्रिंट, प्रिंट ले ले आपका आउट होता है, ठीक है। प्रिंट लेआउट में उसमें बिल्कुल ऐसे पेज मान लीजिए कि आपका ये है, तो आपका यहाँ से ए बी सी ऐसे लिखा, मतलब इस बीच में आपका पूरा का पूरा मतलब जो टेक्स्ट है वो आ गया और इसको आप प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, प्रिंट ले। दूसरा क्या होता है आने की रीड, रीड ले लेआउट होता है। रीड लेआउट में क्या होता है, पढ़ने के लिए मतलब थोड़ा सा उसका बड़ा बड़ा फॉन्ट बन जाता है। लेकिन जब हम वेब लेआउट की बात करते हैं तो इसमें मान लीजिए कि आपका ये पेज है, तो इस पूरे पेज में जो है आपका जो टेक्स्ट है, मतलब टेक्स्ट बोले तो जो भी आपका लेटर है वो खुला हुआ है, समझ गए बातों को। आंसर क्या हो जाएगा, वेब लेआउट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब तो साउंड क्लियर है ना। चलिए देख रहा है कि आप अगर यहाँ पे है क्या कि आने की एमएस एक्सेल में, देखिए एमएस एक्सेल में अगर आप कोई भी डेट लिख देते हैं ना और उसमें अगर फंक्शन यूज कर लेते हैं टुडे, ठीक है, तो अगले दिन जब खोलिएगा ना तो फिर उसमें तारीख बदल जाएगा, मतलब जो प्रेजेंट डेट रहेगा वो दिखाएगा, समझिए। देखिए जैसे कि आपको ये क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए आप एमएस एक्सेल का यूज कर रहे हैं, आज कितना तारीख है, तो बोलिएगा सर आज जो है 23/2 और कितना है 2000 आपका 24 है। अगर इस फंक्शन का यूज करके, टुडे फंक्शन का यूज करके अगर इसको लिख देते हैं किसी एक सेल के अंदर, जो एम एस एक्सेल के अंदर ये जो आपका सेल है इसके अंदर लिख देते हैं, और जब कल हो करके एक दिन बाद आने की जब कल इसको खोलिएगा तो कल जो है आने की एक दिन बाद इसको खोलिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका जो है मतलब कोई भी एक दिन है उसके एक दिन बाद खोलिएगा, तो ये 23 के जगह आपका क्या 24/2 और 2000 आपका आने की 24 हो गया रहेगा, समझ गया बातों को। तो ये टुडे फंक्शन का जो यूज करते हैं इसके मतलब जिस दिन आप खोलिएगा वो प्रेजेंट चीज़ें दिखाएगा। हाँ पीडीएफ दे देंगे अप्लीकेशन पे, उस कोर्स के स्टडी मटेरियल में डाल देंगे। देखिए अगला, देखिए अगला आपका क्या है, ये फ्री अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या आपका कह रहा है, ये पूरा जैसे बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, बोर्ड पे लिखने के साथ ही देंगे आपको ताकि आपको रिवीजन करने में मजा आएगा, तो क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो यही बात कह रहा है कि जैसे कि 19 तारीख को अगर मान ली कि एमएस एक्सेल में इस फंक्शन का यूज किया गया तो अगले दिन जो है वर्कशीट खोलने पर क्या हो जाएगा, तो तारीख बदल जाएगा, आने की 19 के बदले 20 हो जाएगा। इसके अगले दिन खोलेंगे तो ये 25 हो जाएगा, समझ गए, मतलब फिलहाल क्या है ये आपको बताएगा। चलिए आगे देखिए, बढ़िया से सीखते चलिए, प्रश्न आपको बहुत मजेदार है इसमें। देखिए अब कह रहा है कि रिक्त स्थान में मेल मर्ज से आपका 4-5 क्वेश्चन आता है, हम अच्छे से कराएंगे। मेल मर्ज के लिए जो है आपका इनवेलप का यानी कि डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है, ठीक है। देखिए डिफॉल्ट दस्तावेज कहने का मतलब समझते हैं, जो ऐसा चीज जो अगर आप किसी भी चीज को छोड़ देते तो अपने आप वहां पे जाकर के रुक जाता है, क्या होता है उसको डिफॉल्ट दस्तावेज बोलते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब क्या, जो अपने आप एक्टिवेट रहता है उसको डिफॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मेल मर्ज में जैसे कि एमएस वर्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड, यहाँ पे आप लिख लीजिए एमएस आपका अन्य कीवर्ड, एमएस वर्ड में मेल मर्ज इनवेलप में जो डिफॉल्ट दस्तावेज रहता है, ठीक है,
ये आपका क्या रहता है, इनवेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं, इनवेलप नहीं है डिफॉल्ट दस्तावेज, लेकिन ये भी वहाँ रहता है। तो डिफॉल्ट दस्तावेज कौन सा, तो यहाँ पे लेटर मिलेगा, लेटर ये आपका क्या है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट आपका आने की दस्तावेज है, समझ गए बातों को। तो एमएस एक्सेल में जो आपका मेल मर्ज के अंदर जो डिफॉल्ट दस्तावेज है, मतलब अपने आप इस पे जा करके रुक जाता है, वो आपका लेटर है, जबकि इनवेलप जो है ये डिफॉल्ट दस्तावेज नहीं है माय डियर, समझ गए बातों को। सर बैच लेना था, हाँ ठीक है, आप वहाँ जा करके ले लीजिए, ठीक है, बेल्टून का वहाँ जा करके एप्लीकेशन पे जा करके ले। चलिए आगे देखिए, अगला कह रहा है कि आप जो है विंडो यानी कि एक्सपी में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। अगर आपको एक नया फोल्डर बनाना है तो आप कैसे बनाइएगा, देखिए अगर आपको विंडो यहाँ पे एक्सपी लिखा रहे हैं, चाहे आपका विंडो आपको 8 लिखा रहे हैं, 10 लिखा रहे हैं, 11, कोई भी विंडो अगर लिखा हुआ है तो उसमें हम नया फोल्डर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बात, आपको राइट क्लिक करना है अपने माउस पे, राइट क्लिक करना कहाँ पे, जहाँ फ्री एरिया हो। फ्री एरिया करने का क्या मतलब, मान लीजिए कि आपका ये डेस्कटॉप है तो यहाँ पे आप ऑलरेडी बहुत सारा सामान रखे हुए डेस्कटॉप पे, समझ गए बातों को। तो फ्री एरिया कहने का मतलब यहाँ फ्री एरिया है, तो यहाँ आप राइट क्लिक करिए सबसे पहले। राइट क्लिक जब कर दीजिएगा तो वहाँ पे आपको न्यू का, जैसे राइट क्लिक कर दिया तो न्यू का ऑप्शन आया, इस न्यू के साथ जब आगे जाइए तो यहाँ फोल्डर आएगा, इस फोल्डर में जब क्लिक करिएगा और यहीं पर आप क्या कर दीजिएगा, जो भी आपको यानी कि नेम देना है नेम दे दीजिएगा, फिर ये फाइल आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा माय डियर, ठीक है। नहीं कुछ अंतर है, ठीक है, दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों का अवेलेबल है, देखिए ये स्पेशल में और बेल्टोन में कुछ अंतर है, ठीक है, दोनों का सिलेबस थोड़ा सा अलग अलग है, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो बी एस पी सी एल है ना उसमें ज़्यादा दूसरा ओरिएंटेड प्रश्न आता है, ठीक है, और इसमें जो है क्या आपका थोड़ा दूसरा ओरिएंटेड, इसमें ज़्यादा एक्सेल से प्रश्न आता है और थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन ज़्यादा है, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे बेल्टोन में काम करेंगे उनको सबसे ज़्यादा काम एम एस एक्सेल के ऊपर करना, तो जब काम करना है एम एस एक्सेल के ऊपर तो प्रश्न भी कहाँ से आएगा, एम एस एक्सेल से ही आएगा, लेकिन फाउंडेशन से भी आता है। जब तक आप उसका बेसिक यानी कि फाउंडेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक क्या होगा ना कि आप आगे एमएस ऑफिस को समझने में आपको सुविधा नहीं होगा, इसीलिए सबसे पहले जो मैं स्टार्ट किए फाउंडेशन ही किए, उसके बाद हम ये चीज़ें कराएंगे आपको कोर्स में, लेकिन अभी प्रीवियस ईयर हम करा रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको बताते हुए चलते हैं, क्योंकि कोर्स में हम सबसे पहले फाउंडेशन कराएंगे। 3 चैप्टर आपका फाउंडेशन है, जिसमें एगो में बेसिक है, एगो में सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देना है और एगो में इंटरनेट के बारे में। वो जब ये हो जाएगा तो एमएस ऑफिस में घुसेंगे, और एमएस ऑफिस में जब हम घुसेंगे आने की जो आपका एमएस जो ऑफिस है इसमें घुसेंगे तो इसका 3 पार्ट होगा। सबसे पहले एमएस आपका आने की वर्ड होगा, दूसरा आपका एमएस आपका आने की एक्सेल होगा, और तीसरा आपका पावर पॉइंट होगा माय डियर, ठीक है। इसी क्रम में पढ़ेंगे और एक एक चीज को क्लियर करा देंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला कह रहा है क्या कि एक्टिव एक्स जो है आपका डैश द्वारा आने की रूप से आने की तकनीकी के द्वारा, मतलब कह रहा है कि एक्टिव जो आपका एक्स डैश द्वारा शुरू की गई एक आपका तकनीक है। ये एक्टिव एक्स एक ऐसा तकनीक था ना कि ये मतलब चीज़ों को बना करके रख दिया गया था, अगर कोई डेवलपर है तो उसके द्वारा इसके कोड को इसके चीज़ों को यूज किया जाता था आगे चीज़ों को डेवलप करने में, जैसे या तो कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है या और भी कुछ डेवलप करना है उसके लिए, समझ गए बातों को। तो एक्टिव एक्स ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। देखिए क्या लिखा है कि एक्टिव एक्स जो है आपका एक ऐसी जो है आपका टेक्नोलॉजी है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा 1996 में प्रारंभ किया गया था। एक्टिव एक्स में पहले से लिखा हुआ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट रहता है, मतलब इसके अंदर जो है यानी कि आपका सॉफ्ट जो है वेयर लिखा हुआ क्या आपका यानी कि लिखा हुआ रहता है, और जो भी डेवलपर होता है जो डेवलपर है ये क्या करता है इसको यूज करता है दूसरा चीज बनाने में। ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई बड़ा सा फंक्शन है, ठीक है, तो सुबह में ही क्या करते हैं उसका पूरा ग्रेवी तैयार करके रख लेते हैं। अब जैसा सब्जी बनाना है उसमें से ग्रेवी आपका यूज आते जाता है, समझिए बातों को, अलग अलग जगह पे। तो उसी तरह से ये बन करके रखा गया था। आगे अब आपको क्या बनाना है डेवलपर को उसके हिसाब से वो क्या करता है, जैसे एप्लीकेशन बनाना है, वेब पेज बनाना है, तो इस सब में इसका इस्तेमाल किया गया था, और ये माइक्रोसॉफ्ट का आपका देन है। कब दिया था, 1996।
समझ गया बात को, चलिए आगे देखो। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर के भौतिक जो उपकरण है को क्या कहते हैं, जो भौतिक उपकरण है उसको क्या बोलते हैं, इसको हार्डवेयर बोलते हैं। मतलब एक आपका हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कहने का क्या मतलब है कि माय डियर हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, समझ गए बातों को, जिसको आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको टच कर सकते हैं, और जिसको आप छू नहीं सकते हैं वो क्या आपका सॉफ्टवेयर है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की तो क्या हो जाएगा आपका विंडो क्या हो जाएगा आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हार्डवेयर का एग्जांपल बताइए सर, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, और आपका रैम हो गया, और भी बहुत सारा कुछ है, ठीक है। जैसे कि आपका सीपीयू हो जाएगा, ये पूछा भी गया है प्रश्न कि सीपीयू आपका क्या है, तो ये भी आपका एक आने की हार्डवेयर है, क्या है आपका हार्डवेयर है। और ये आपका कैसा होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, और ये हम कल के क्लास में पढ़ाए हैं, आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिए, ठीक है, आपको भी गुड इवनिंग। देखिए ये समझ गया ना बातों को, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह जो डैश का क्या करता है, समाधान करता है। मतलब सॉफ्टवेयर जो है बनाया जाता है वो एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे समझिए, देखिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं आने की एमएस ऑफिस, ऑफिस का बात करते हैं, इसमें आपका कहिएगा कि सर इसमें तो एमएस वर्ड होता है, दूसरा आपका आने की एमएस एक्सेल भी होता है, एक्सेल होता है, और तीसरा आपका क्या होता है कि पावर पॉइंट होता है। तो इसको जो बनाया गया इसका स्पेसिफिक काम क्या है, तो जो भी आपका एडिटिंग का काम है आने की जो आप टाइपिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन आने की क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं इसमें आने की लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, तो जो भी एडिटिंग वाला काम है आने की जो आपका एडिटिंग वाला काम है यहाँ करेंगे। और अगर मान लीजिए आपको इससे हटके काम करना है, कोई कंपनी में सैलरी स्लिप बनाना है सर, या किसी का डाटा तैयार करना है, कोई कैलकुलेशन करना है, तो कहाँ करेंगे, यहीं पे। सैलरी हो गया, कोई डाटा अगर तैयार करना है तो यहाँ करेंगे। पावर पॉइंट में क्या करेंगे, तो सर यहाँ पे स्लाइड बनाएंगे। तो सबका अलग अलग काम है ना, तो यही कह रहा है सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह डैश यानी कि जो विशिष्ट समस्या या कार्य को क्या करता है, समाधान करता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, जो आपका क्वेश्चन टाइपिंग करना, एडिटिंग करना, इसका काम कर लेगा। ये क्या करेगा, तो जैसे सैलरी स्लिप बनाना है, डाटा को बनाना है, रिजल्ट को तैयार करना है, तो इसके लिए ये हो जाएगा। स्लाइड को अगर बनाना है तो हमें पीपीटी का यूज करेंगे, समझ गए बातों को, ठीक है, ओके अनिल जी, पूरा कोशिश रहेगा, ठीक है, ओके, चलिए आगे देखिए। और जितने भी लोग पूछ रहे थे सर बीएसपीसीएल के लिए क्या कर रहे हैं, उसका भी आपका अवेलेबल है, ठीक है, और बहुत अच्छे से हम इसका भी सिलेबस आपको कंप्लीट, मतलब अभी तो ये चल रहा है, ठीक है, कुछ वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और अभी लाइव भी अभी बहुत कुछ इसमें चलना बाकी है, समझ गए बातों को। तो आप चाहते हैं कि कंप्यूटर पे आपका पकड़ हो, एक बार मेरे से जुड़िए, आपको क्लास में पता चल जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, और यहाँ पे भी आप देख ही सकते हैं, ठीक है, चलिए विशेष कहने की बात नहीं है, आप खुद ही जज करिए। चलिए आगे देखिए, कह रहा है आपका क्या कि लेआउट रिबन में डैश टैब के आने की जो है आपका अंदर मौजूद रहता है। तो देखिए होम पेज में जो होम होता है ना, इसी में आपका लेआउट रिबन मौजूद होता है। हम जिस दिन प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो ये आपको दिखा भी देंगे, जो आपका होम होता है ना, इसी में रिबन के जो आपका होम होता है उसी में लेआउट क्या होता है आपका मौजूद होता है, और ये आपका पावर पॉइंट में होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, अगला देखिए। अगला बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखिए कह रहा है आपका क्या कि चयनित आरक्षण को आपका सब स्क्रिप्ट, किसका सब की बात कर रहा है, शॉर्टकट कुंजी क्या होगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए आप कीवर्ड से टाइपिंग करते हैं, तो कोई भी चीज टाइप किए तो आप क्या टाइप किए, यहाँ पे मान लीजिए ये एक्स है और इसके साथ है टू टाइप कर लिए। अब इसको अगर सब स्क्रिप्ट बनाना है, मतलब ये टू को नीचे लाना है, तो आप क्या करिएगा, आने की एक्स आप टू कर लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको आने की सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, समझ गया बातों को। अब यहाँ देखिए इसको जो है आपको मान ली एक्स के साथ है टू था, इसको अब ऊपर लेकर के जाना है, मतलब एक्स का स्क्वायर लेते, इसको क्या बोलते हैं हम, सुपर आने की सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग शॉर्टकट की है क्या सर, बिल्कुल मेरे दोस्त अलग अलग है। देखिए
इसके लिए जो शॉर्टकट की है आपका आने की कंट्रोल प्लस में क्या आपका इजिकल टू है, और इसके लिए क्या है आपका कंट्रोल प्लस में आपका शिफ्ट है प्लस प्लस है। समझ गए बातों को? तो ये इसके लिए और इस दोनों के लिए याद रखिएगा। ये तो आपका पूछ लिया है, अगले बार कहीं ये ना पूछ ले। मतलब ये तो हम टाइप कर लिए, ठीक है, ये हम क्या किए तो टाइप कर लिए, और इसको हमको सब बनाना है, नीचे लाना है तो ऐसे, और जब हम इसको ऊपर ले जाना है, स्क्वायर करना है, तो सुपर स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट। तो नहीं, सुपर का आप गलत बोल रहे हैं, आप किसका बोल रहे हैं, सब का बोल रहे हैं। कंट्रोल प्लस में जो होता है किसका होता है, सब स्क्रिप्ट का। सुपर की अगर हम बात करते हैं, सब आने की, ये जो आपका सुपर, जो आपका सब स्क्रिप्ट है नीचे आ जाता है और सुपर में ऊपर चला जाता है, उसके लिए कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस प्लस होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्लस प्लस कहने का मतलब क्या, प्लस होता है इसके साथ, ये प्लस तो आप ले ही रहे उसको जोड़ने के लिए, ठीक है। अगला देखिए, चलिए आगे बढ़े, देखिए अगला आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि एम एस वर्ड में आपका जो यहाँ पे क्या लिखा है कि आउटलाइन व्यू क्या होता है। एम एस जो आपका ऑफिस होता है, इसमें आउटलाइन व्यू जो होता है क्या होता है, तो आउटलाइन व्यू से हम क्या देते हैं, बुलेट कर देते हैं कंटेंट को। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ ए बी सी डी, या मान लीजिए मेरा नाम लिखा एस यू जे ए वाई, और जब हम इसका आउटलाइन व्यू का प्रयोग करेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप देखिए ये क्या बन जाएगा, तो जब उसका प्रयोग करेंगे तो इस दोनों को क्या हो जाएगा, कंटेंट को ऐसे बोल्ट लाइन कर देगा, क्या कर देगा, कंटेंट को बुलेट यानी कि बुलेट पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है, कंटेंट को क्या कर देगा, बुलेट पॉइंट के रूप में दिखा दिया। समझ गया बातों को? चलिए आगे देखें, कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका आविष्कार किसने किया था, यानी कि जो आपका WWW है इसका आविष्कार किसके द्वारा, तो आने की टीम यानी कि बंसली के द्वारा, टीम बंसली के द्वारा किया गया था, और कब इसका आविष्कार, तो 1990 में, और दोनों जो है पूछा जाता है एग्जाम में, और ये कहाँ से आएगा, इंटरनेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे हम आपको ब्राउजर और सर्च इंजन पढ़ाएंगे, वहाँ पे ये पूरा डिटेल पढ़ा देंगे। आगे देखिए, आगे आपका कि मेल मर्ज विकल्प जो है आपका, मेल मर्ज विकल्प एमएस वर्ड दस्तावेज के डैश टैब में मौजूद होता है, तो कहाँ पे, मेलिंग में। देखिए सबसे पहले हम मेलिंग में जाएंगे, और देखिए यहाँ मेलिंग में जाएंगे तो मेलिंग में ही हमको क्या मिलेगा, तो मेल मर्ज मिलेगा, क्या मिलेगा, मेल मर्ज मिलेगा, ठीक है, और मेल मर्ज को पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे। अगला देखिए, अगला क्या कह रहे हैं कि वॉन यानी कि वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में आपका इनमें से किसका उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, जो आपका वॉन न्यूमैन जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है इसमें उपयोग किसका होता है, तो स्टोरेज प्रोग्राम प्रिंसिपल के बेस पे ये चलता है। समझ गए बातों को? मतलब जैसे आपका मेमोरी वर्क करता है उसी तरह से आपका ये भी वर्क करता है। हाँ, क्या दिक्कत है वॉइस में, क्या दिक्कत है वॉइस में? चलिए आगे देखिए, बस आपका चार क्वेश्चन और बचा है, इसको कर लेते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि जैसे कि आपका यानी कि स्टोर प्रोग्राम का संबंध कंप्यूटर मेमोरी से है, ठीक है, किससे, कंप्यूटर मेमोरी में, मतलब इसे भंडारण से ये संबंधित है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर कई प्रकार के कार्यों को क्या करता है, संपादित करता है, तो जो आपका स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा को जॉन यानी कि वॉन न्यूमैन के द्वारा दिया गया था। समझ गया बातों को? तो ये जो स्टोर जो है प्रोग्राम का सिद्धांत किसने दिया था, तो वॉन न्यूमैन के द्वारा जो है ये दिया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट आपका 2016 में निम्नलिखित में से कौन जो है आपका यानी कि पेस्ट ड्रॉप डाउन यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, ठीक है, पेस्ट आपका ड्रॉप डाउन सूची के तहत जो है एक वैध विकल्प नहीं है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जैसे कि यहाँ पे क्या आपका कि पेस्ट ड्रॉप डाउन जो सूची है इसमें से कौन सा विकल्प वहाँ उपलब्ध नहीं रहता है। बीएसपीसीएल का चल रहा है, कब तक नहीं है आप चेक करिए, चल रहा है उसका, कब तक चल रहा है उसका बैच, चल रहा है, स्टार्ट है। देखिए तो ये चीज़ें आपका नहीं रहता है, जैसे कि उसमें आपका पिक्चर का आपको फंक्शन मिल जाएगा, कीप आने की सोर्स का आने की फॉर्मेटिंग का आपका ये भी मिल जाएगा, और आपका यूज जो है आने की यूज जो है यूज ये भी मिल जाएगा आपका, ठीक है, आने की यूज डेस्टिनेशन का थीम का भी आपको मिल जाएगा, तो ये सब आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ें आपका नहीं है। तो ये तीनों आपको याद रखना, ये तीनों आपको याद रखना, क्या क्या कि इसमें पिक्चर का मिल जाएगा, उसके बाद इसमें कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मिल जाएगा, और आपको उसमें यूज डेस्टिनेशन यानी कि थीम का भी मिल जाएगा।
तो ये कहाँ कहाँ तीनों मिलेगा, तो ये मिलेगा कहाँ, पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची में ये चीज़ें आपका मिल जाएगा। तो ये तीनों मेन जो है आपको याद रखना है। अगला देखो, अगला ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लिए। जितना भी विंडो आया उसमें एक विंडो था कौन, तो विंडो जो है यानी कि ऑफिस 3 था, यानी कि इसका वर्जन, इसमें आपका क्या नहीं था। देखिए करा, निम्नलिखित में से इसमें कंप्यूटर के बीच इंटरनेट की सुविधा मौजूद नहीं है, तो यही था आपका विंडो यानी कि ऑफिस जो आपका 3 था, यानी कि 3.1 जो आपका वर्जन था ना विंडो में, इसी में आपका इंटरनेट का कनेक्टिविटी नहीं था। बाकी यहाँ पे जितना भी ऑफिस लिखा गया है ये सब में आपका यानी कि नेटवर्किंग का सुविधा क्या था, मौजूद। कह रहा है कि विंडो 3.0 माइक्रोसॉफ्ट विंडो की यानी कि तीसरी बड़ी रिलीज है, तथा इसे जो है 1990 में रिलीज किया गया, ठीक है, 1990 में रिलीज किया गया था, जिसमें आपका क्या नहीं है, तो कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है। तो एज इट इज इसको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सूचना अस्थाई रूप से स्टोर कर सकता है। देखिए अब ये आपका मेमोरी चैप्टर से प्रश्न आ गया। मेमोरी चैप्टर हम आपको कहाँ पढ़ाएंगे, तो बेसिक में पढ़ाएंगे, कहाँ पे, बेसिक में 2-3 दिन में ये हो जाए। देखिए तो सबसे पहले बात जो हमारा मेमोरी होता है, यानी कि हम यहाँ पे बात करते हैं मेमोरी का, मेमोरी का बात करते तो इसमें दो होता है, एक तो आपका प्राइमरी, प्राइमरी होता है, और दूसरा आपका सेकेंडरी, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मेमोरी का आपका यहाँ पे प्राइमरी बोले तो आपका रैम हो जाएगा, और इस रैम का आपका दो गो पार्ट होता है। एक तो आपका क्या होता है कि स्टेटिक आपका रैम होता है, क्या होता है यानी कि स्टेटिक आपका रैम, और दूसरा क्या होता है डायनेमिक आपका यानी कि रैम होता है, ठीक है। अगला थोड़ा देखिए, ये कैसा होता है, जो स्टेटिक रैम होता है डायनेमिक रैम, प्राइमरी में ये आपका एक हो गया क्या रैम, और दूसरा क्या होता है आपका रोम होता है, क्या होता है आपका आने की रोम। ये जो होता है रैम जो होता है ये कैसा होता है, तो ये होता है रेंडम एक्सेस मेमोरी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है। देखिए क्या आपका रेंडम एक्सेस, एक्सेस मेमोरी, मेमोरी रेंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या, रेंडम का मतलब कहीं से, और एक्सेस का मतलब है निकालना, और मेमोरी मतलब जो स्टोर आप किए हैं, समझिए बातों को। तो कहीं से भी डाटा को आप निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या होता है रीड, यानी कि आपका रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी होता है, मतलब आप क्या कर सकते हैं है कि इसमें डाटा को सिर्फ आप पढ़ सकते हैं मेरे भाई, उसमें डाटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, समझ गया बातों को। तो ये आपका रीड ओनली मेमोरी। इसका नेचर कैसा होता है, तो परमानेंट होता है, परमानेंट होता है। और इसका नेचर जो रैम होता है इसका नेचर कैसा होता है, टेम्पररी होता है, टेम्पररी मतलब आपका अस्थाई होता है। और ये आपका कैसा होता है, तो ये आपका अस्थाई होता है, मतलब अगर कहीं भी आप कंप्यूटर चला रहे हैं उसका पावर अगर ऑफ हो गया, तो पावर ऑफ होने के बाद क्या होगा ना कि इसका रैम का डाटा लॉस हो जाएगा, लेकिन रोम का डाटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ कह रहा है सूचना अस्थाई रूप से स्टोर कर सकता है, अस्थाई रूप से स्टोर करने के लिए मेरे भाई रोम होता है, स्टेटिक रैम नहीं। स्टेटिक रैम का मतलब क्या हो गया, मतलब इस रैम का मतलब होता है स्टेटिक आपका रैम, स्टेटिक रैम मतलब क्या आपका कि स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, समझ गए। और इसका मतलब क्या होता है डी रैम, यानी कि डायनेमिक आपका रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको जो है क्या रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होता, इसको बार बार रिफ्रेश करने का जरूरत होता है, तो अस्थाई रूप से स्टोर कर सकता है वो आपका रोम होगा, ठीक है, यहाँ पे स्टेटिक रैम नहीं। हालांकि स्टेटिक रैम में जब तक पावर ऑफ नहीं है, क्या है पावर ऑफ नहीं है, तब तक इसमें डाटा जो है आपका रह सकता है, समझ गया बातों को। आगे देखिए, और स्टेटिक रैम आपका थोड़ा फास्टर होता है डायनेमिक रैम के कंपेरिजन में, और स्टेटिक रैम ट्रांजिस्टर से बना होता है। ये जो है आपका क्या, ये किससे बना होता है ट्रांजिस्टर से, ठीक है, ये किससे बना होता है ट्रांजिस्टर से, आपका स्टेटिक आपका रैम बना होता है। और जब डायनेमिक रैम की बात करते हैं, ये देखिए यहाँ डायनेमिक रैम है ना, यहाँ पे मैं यही बता दूँ, देखिए ये डायनेमिक रैम किससे बना होता है, तो कैपे, कैपेसिटर से आपका बना होता है। अगला देखिए,
अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है क्या आपका कि एमएस वर्ड में आपका यानी कि इंडेंट के पैराग्राफ को क्या बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी उसका क्या होगा बताना। जैसे कि मान लीजिए एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हैं तो उसमें मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है, जय लिख दिया, मतलब मेरा नाम, मैं अपना नाम लिख दिया। इसके बाद हमको इसको आगे बढ़ाना है। अभी आप क्या किए, यहाँ से आप शुरू कर लिए थे, अब इसको आगे बढ़ाना है थोड़ा सा, समझिए बातों को, मतलब इसको आगे बढ़ाना है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे इधर की तरफ ले जाने के लिए, इधर के डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल प्लस में एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आज इतना तक हो गया, अब आप लोगों को क्या डाउट है हमसे पूछ सकते हैं, पूछिए, बोलिए, कोई भी डाउट है कुछ भी तो पूछिए, पूछ ले सकते हैं, नहीं तो इसके बाद अब छुट्टी करते हैं, फिर कल मिलेंगे, ठीक है, बताइए, चले छुट्टी करें, मजा आया ना क्लास में, हर एक दिन मजा आएगा क्लास में, और जो कुछ मैं सिखाऊंगा, साउंड का प्रॉब्लम था, नेक्स्ट डे से ठीक हो जाएगा, हम स्टूडियो से क्लास लेंगे, ठीक है, आज एक्चुअली खाली नहीं था ना, तो इसलिए क्लासरूम से ले रहे हैं, ठीक है, और कोई समस्या, ठीक है, ओके, साउंड ठीक हो जाएगा, और सर बता ही दिए आपको, जस्ट आपको कितना लगना है, तो 299 लगना है, ये पहले कितना था, 499 आपका था, अब 299 जस्ट हो गया, तो अब समझिए कि बहुत आपको मतलब इसमें रिलीफ दिया गया, समझिए बातों को, सर ऑफिस 1.0 में, हाँ 3 में नहीं था सिर्फ, ठीक है, 3 में नहीं था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये अब लगेगा, और इसमें आप परचेज करिए और आराम से पढ़िए मेरे साथ और खूब मेहनत करिए ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा, ठीक है, हाँ ऐप पे अवेलेबल है, ओके ओके, चलिए ओके, ऐप पे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ठीक है, चलिए ओके बाय, थैंक यू। चलिए ओके बाय।